श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, अपने पसंदा कार्यक्रम को आप देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को इतना स्नेह एवं प्रेम देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही रोचक विषय है। विषय वो जो आप हमें बताते हैं, जो आप मुझे मैसेज करते हैं, जो आप मुझे कहते हैं कि शास्त्री जी आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि कोई व्यक्ति विशेष एक पूछता है कोई प्रश्न, तो मैं उसकी जानकारी सभी जनों तक पहुंचाऊं, आप सब तक वो जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाऊं। तो आज का हमारा विषय है चंद्र ग्रहण योग के ऊपर। जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग क्या होता है, क्या इसके प्रभाव हैं, और जिन जातकों की कुंडली में ये योग होता है उनका जीवन कैसा रहता है। तो आज इन सभी चीज़ों के ऊपर, इस विषय के ऊपर, इस वीडियो के माध्यम से, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण योग क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, चंद्रमा मन के कारक हैं। जन्म कुंडली में जो चंद्रमा का स्थान है नवग्रह में, वो मन का कारक है। और ये इसको कैसे ग्रहण लगता है, ये कैसे ग्रहण योग का निर्माण करता है, वो ग्रहण योग तब लगता है जब चंद्रमा के साथ राहु का संबंध हो जाए, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो जाए। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि चंद्र ग्रहण योग का 6, 8, 12 छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में यदि इसका निर्माण हो जाए, यदि वहाँ पर चंद्र ग्रहण योग बन जाए, तो इसका प्रभाव जीवन में बहुत ही घातक सिद्ध होता है। और यदि इसके साथ साथ यदि चंद्र ग्रहण योग त्रिकोण भाव में बन जाए, लगन में, पंचम में एवं नवम में, तो इसका प्रभाव और भी, उससे भी ज़्यादा अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है जिन जातकों की जन्म कुंडली में ऐसा हो। देखिए, चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। और जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे। यदि हमारा मन परेशान है तो किसी भी अवस्था में हम व्यक्तिगत रूप से या कह लीजिए किसी भी तरह से हम खुश नहीं रह सकते। मन परेशान है तो ऊपर से आपका जो व्यवहार है वो भी सकारात्मक नहीं होगा, वो भी उसका प्रभाव भी दूसरों के प्रति गलत ही होगा। आपके मन में बड़े बड़े बुरे विचार आएंगे। तो जब चंद्र को ग्रहण लगता है तो राहु के माध्यम से ही लगता है, तो ये वही चंद्र ग्रहण योग है जो आपकी जन्म कुंडली में या जन्म कुंडली में जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये बन रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण योग वाले जातक कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव, देखिए, उनकी माता को कष्ट होगा, उनको बुरे बुरे विचार आएंगे, मन घबराहट पैदा करेगा, मन में बिना मतलब के भय रहेगा। दूसरी बात, ऐसा जातक जिंदगी में अस्थिर रहेगा। ऐसे जातकों को हृदय का भी रोग होने की संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसा जातक बार बार अपने विचार बदलेगा, बार बार अपने डिसीजन बदलेगा। ऐसा जातक किसी भी प्रकार से अपने को जिंदगी में कभी खुश ही नहीं कर पाएगा। दूसरों के प्रति नेगेटिविटी अपने आप में पैदा कर लेना, या चार व्यक्ति खड़े हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को जब देखता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो चार व्यक्ति यदि आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या उसके उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको ऐसा भी महसूस होता है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण योग वाले जातकों को मिर्गी का दौरा भी पड़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। चंद्र ग्रहण योग वाले की हार्ट की, हृदय की, के आप बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, बाईपास सर्जरी हो जाती है। क्यों? इसका संबंध हृदय के साथ है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग जन्म से है, और क्या उसके, मैंने आपको प्रभाव तो बता दिए, अब इसको कैसे ठीक करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, चंद्र ग्रहण योग वाले जातक को मैं एक समझ लीजिए बहुत बहुमूल्य टिप बता रहा हूं।
आप अपनी कुंडली को उठाए उसमें पहले तो देखें कि लग्न कुंडली में क्या ऐसा संबंध तो नहीं बन रहा। यदि चंद्रमा के साथ राहु की युति बन रही है, किसी भी भाव में बन रही है, यदि 6, 8, 12 त्रिकोण भाव 1, 5 और 9 के अलावा भी यदि किसी भी भाव में चंद्र ग्रहण योग की युति बन रही है, तो आपको जीवन में कभी भी जल का दान नहीं करना चाहिए, सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, कभी दूध का दान नहीं करना चाहिए, कभी दही का दान नहीं करना चाहिए, कभी भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से निर्मित चीजें हैं, उनका कभी भी दान या उनको कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्यों? चंद्रमा का संबंध सफेद चीजों के साथ है। एक तो चंद्रमा को पहले ही ग्रहण लग गया, राहु ने उसको ग्रसित कर लिया, तो एक समझ लीजिए कि एक सफेद रंग की चीज है, मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं कि मान लीजिए एक सफेद रंग की चीज है, उसके ऊपर काले रंग का एक बहुत बड़ा धब्बा पड़ जाना, तो वो सफेद रंग की चीज कैसी होगी? वो सुंदर तो दिखेगी नहीं, वो तो बिल्कुल ही भद्दी दिखेगी। तो वैसे ही चंद्र को जब ग्रहण लगता है, वो ऐसे ही चंद्रमा को धब्बा लगा देता है, जैसे एक सफेद कपड़े के ऊपर एक काले रंग की स्याही गिर जानी, एक काला रंग गिर जाना, और सफेद रंग अपनी सुंदरता को खो देता है। एक तो आपको पहले ही धब्बा लग गया राहु की वजह से, दूसरी बात, और यदि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, उनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग होता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ये योग है, वो कहते हैं हमें पता है शास्त्री जी ये योग है, और आप फिर मेरा उनसे पूछना होता कि भाई आपने क्या उपाय किया इसके लिए, तो वो कहते हैं कि हमने किसी ने बता दिया कि सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद वस्तुएं, आप जल प्रवाह करें। तो मैं उन सभी जातकों को कहने का प्रयास करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि आप कभी भी सफेद वस्तुओं का दान मत कीजिए, कभी भी सफ़ेद वस्तुओं को जल प्रवाह मत कीजिए, कभी भी सफ़ेद वस्तुओं को कोई लंगर इत्यादि में मत दीजिए। प्रिय दर्शकों, एक तो चीज पहले ही हमारे पास कम है, सफेद चीज हमारी ग्रसित हो गई, और दूसरा हम उसको और व्यय कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, तो आपको हानि होने की संभावना पूर्ण रूप से है। और आपको भी क्या करना है, ये चीज आप समझ लीजिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग है, सबसे पहले आपको चंद्रमा के कोई भी मंत्र का जाप प्रत्येक रोज करना पड़ेगा। आपको चंद्रमा से संबंधित, जैसे भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा है, तो आपको शिव चालीसा का, भगवान शिव की उपासना को आप जितना बढ़ाएंगे, तो आपका चंद्रमा मजबूत होने लग जाएगा, और चंद्रमा जब मजबूत हो जाएगा तब आपका मन भी मजबूत होगा। और आपको अब इसके साथ उपाय क्या गया, देखिए राहु ने आपको चंद्रमा को ग्रसित कर दिया, अब राहु को हमने निकालना है, राहु के प्रभाव को हमने निकालना है जन्म कुंडली में जो ग्रहण योग बना रहा है। राहु का प्रभाव कैसे कम होगा? आप नीले रंग की वस्तुओं को जल प्रवाह करें, नीले रंग की वस्तुओं का आप दान में दें, आप काले रंग की वस्तुओं को दान में दें, जो चीजें राहु के साथ संबंध बना रही हैं, उसके साथ आप हमेशा उन चीजों को आप अपनी लाइफ से, अपने जीवन से निकाल दीजिए। प्रिय दर्शकों, राहु की शांति अवश्य करें। देखिए जब कोई ग्रह पूर्ण रूप से क्रूर हो और दूसरे ग्रह को वो खराब कर रहा हो, तो उस ग्रह की शांति के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई पूजन पाठ अवश्य करवाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव आपको दुष्प्रभाव ना मिले। और चंद्रमा को बल देने के लिए आपको मैंने वो भी चीजें बता दी, तो इन चीजों को आप अवश्य देखें। देखिए उपाय क्या, उपाय ज्योतिषी कई चीजों में फंस जाते हैं, जो उपाय हैं वो आपको रिजल्ट तब देते हैं यदि आप तरीके से करेंगे, यदि आप उसको सही रूप से करने का प्रयास करेंगे, यदि आप उसको एक विधि के अनुसार करेंगे, तो आपको उसका प्रभाव भी अच्छा ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण योग बहुत अधिकांश कुंडलियों में देखने को हमें मिलता है, बहुत सी कुंडलियों में, ऐसा नहीं है कि कोई कोई कुंडली होती है, बहुत सी कुंडलियां होती हैं जो ग्रहण योग से ग्रसित होती हैं, तो इसका प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, व्यक्ति अनसेटल्ड रहता है, बार बार डिप्रेशन का भी कारण देखिए बन जाता है ग्रहण योग वाले व्यक्ति को।
तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपका मन खुश रहेगा तो वैसे आपके विचार, आपका जीवन भी खुश रहेगा। तो मन को ठीक करने के लिए मात्र एक ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा यदि ग्रसित है और उसको मजबूत करने के लिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उनको आप जीवन में लिख करके उनको जीवन में अपना लीजिए, आपको चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव है वो ठीक मिलने लग जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ ये जो जन्म कुंडली से संबंधित ग्रहण योग के बारे में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन चीज़ों का आपको उत्तर मिल गया होगा। बाकी की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके करवा सकते हैं। आज के वर्तमान समय में जैसे कोविड का अभी समय चल रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से यदि हम नहीं मिल पाते तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मुझसे समय लेकर के व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जन्म विवरण भेजें और शुल्क का आप जानकारी लें। यदि आपको उचित लगता है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और सटीक उपाय, आपको जो सरल उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और बहुत सरल उपाय जो कि आप जीवन में करके आपको बहुत सुख समृद्धि, सुख शांति मिलेगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। समय का अभाव होने के कारण कल को पुनः इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ आऊँगा। नमस्कार।